देवास जिले के खातेगांव विधानसभा में चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश व जिले में दायित्व बांटना शुरू कर दिए हैं। उसी संदर्भ में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक कैलाश कुंडल को प्रदेश महासचिव का दायित्व सौंपा गया है। उनके दायित्व मिलते ही खातेगांव कन्नौद विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया। खातेगांव प्रवास के दौरान कुंडल का जगह जगह मिठाई खिलाकर भी स्वागत किया गया। असिस्टेंट पर वैष्णो ट्रेवल्स ऑफिस पर पार्षद यादव के नेतृत्व में कुंडल का स्वागत किया गया। नहीं, जनता को मेरा यही संदेश है कि आने वाला कांग्रेस का है और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं राहुल गांधी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सारे कांग्रेस जन उस वादों को पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारा बयान है, दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि हम 130-140 सीट जीत के आ रहे हैं। अगर हम सरकार में आते हैं, जो लग रहा है कि आना है, क्योंकि वक्त बदलाव का है, ये पहले से कहा जा रहा था, और इतना अधिक मतदान इस बात का प्रतीक है कि वक्त बदलाव का है, तो निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस जन तमाम लोग साथी मिलकर कांग्रेस जो वादे किसानों से किए हैं, व्यापारियों से, युवाओं से किए हैं, महिलाओं से किए हैं, उन वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो जिम्मेदारी माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सौंपी है, जो काम भी मुझे सौंपेंगे कार्यकर्ता के रूप में, मैं उसी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। इस बार मध्य प्रदेश में 8% वोट बढ़ा है, तो ये क्या कांग्रेस के पक्ष में है? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है अक्सर पिछले 70 साल का, कि जब वोटर प्रतिशत बढ़ाता है तो सरकार के खिलाफ होता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, ये इस बात का संकेत है कि जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन करेंगे, मध्य प्रदेश में दो ही दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, ये इस बात का संकेत है। जो ज़्यादा मतदान हुआ है उसके संकेत है कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।